किसानों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम, बैठे धरने पर हाईवे पर ही अदा की जुमे की नमाज। वहीं जनपद रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हसीब अहमद के नेतृत्व में अम्बेडकर पार्क के सामने धरने पर बैठे सैकड़ों की तादाद में किसानों ने राज्यसभा में पास हुए कृषि विधेयक बिल को लेकर जोरदार धरना देकर प्रदर्शन किया और किसानों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं किसान यूनियन के धरने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भारतीय किसान यूनियन को अपना समर्थन दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हसीब अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश पास किया है सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी रह गई है, वे बिल्कुल गलत अध्यादेश पास किया है। जो सरकार को करना चाहिए, किसान 20-25 साल से मांग कर रही है कि समर्थन रेट से कम को अपराध मानो, वे सरकार नहीं कर रही और किसान से कह दिया कि आप अपना माल कहीं भी भेजो, वो पहले से कह रहे हैं उसे अपराध की श्रेणी में, समर्थन मूल्य को नहीं ला रहे हैं। आज धान के रेट 900 और 1200 और समर्थन मूल्य आपने घोषित किया है 1888 रुपये, क्यों नहीं मिल पाते किसानों को? 1800 रुपये का रेट क्यों लुटवा रहे हैं? किसान को इन सब मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे जाम है और जब तक अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता तब तक जाम और धरना प्रदर्शन पूरे देश में किसान सड़कों पर रहेंगे। जुमे के दिन किसानों के केंद्र के कृषि नीति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर किसानों ने नमाज भी पढ़ी। अब आइए सुनते हैं हसीब अहमद, भारतीय किसान यूनियन क्या कह रहे हैं। जो किसान अध्यादेश लागू कानून बनने जा रहा है, तो कानून ही बन जाएगा वो, राष्ट्रपति जी की मोहर लगने बाकी रह गई है। उसी कानून के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत भर में किसान रोडों पर है। किसानों का बहुत दिनों से मांग थी कि आप समर्थन मूल्य से कम खरीद को अपराध मानो। हमारा न्यूनतम हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं। कानून आप बनाइए, ठीक है आपने बनाया, मगर जो किसान 25-30 साल से मांग कर रहा था कि समर्थन मूल्य से कम खरीद को अपराध मानो, तो आप क्यों नहीं मान रहे? समर्थन मूल्य से कम खरीद क्यों हो रही है? अब 900 रुपये को धान क्यों बिक रहा है? आप कानून को कानून पर बना जाते हो, जो समर्थन मूल्य दिलवाने की बात नहीं करते, उसे अपराध श्रेणी में लाने की बात नहीं करते। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज फिर नेशनल हाईवे जाम है और सरकार को पुनः विचार करना पड़ेगा, नहीं तो किसान हमेशा सड़कों पर रहेगा और हाय तोबा करते रहेंगे किसान के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जितनी भी हमसे हो सकती है। बाकी तो किसान सरकार जाने अब क्या है, वो अपनी हरदंगी पर लगी हुई है, उसके पास बहुमत है, जिसने बहुमत दिया है वो लोग आज रोडों पर बैठे हैं, उम्मीद जताते हैं कि जब टाइम आएगा तो यही लोग सबक सिखाएंगे और वो लोग सड़कों पर होंगे। तो आप पूरी तरह से मानते हैं कि ये किसान विरोधी बिल है? हाँ बिल्कुल, किसान विरोधी बिल। किसान विरोधी बिल यूँ है कि जो किसान मांग कर रहा था कि समर्थन मूल्य खरीद को शामिल करिए, आप समर्थन मूल्य उसमें अपराधी श्रेणी में लाइए, आप उससे तो आप लाए नहीं, आपने तमाम कानून बना दिया कि आप किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता, तो किसान तो पहले भी अपना माल बेच रहा था, कोई नई बात तो है नहीं भाई। किसान तो अपना माल बेचने दिल्ली जा रहा है, उसका किराया वहाँ है 200 रुपये का भाव, आज 400 का आज लेके जा रहा है, कल हो जाएगा 200 का भाव, तो कहाँ डाल का आगा फेंक के जाएगा, किराए के पैसे भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें सब किसान विरोधी बिल है और इसे वापस लेना ही पड़ेगा। और वापस नहीं लेते हैं तो किसान नहीं लेते तो किसान देख नहीं रहे आप सड़कों पर है किसान भाई, किसान इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ये विरोध प्रदर्शन करेगा, अपनी आवाज़ हाँसी पहुँचाएगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करके सरकार को। आम आदमी पार्टी भी आपके साथ में कुछ बैठे हुए, हमें समर्थन पत्र दिया है, स्वागत है उनका बैठे हुए आपके साथ। हाँ